नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने 30 स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के बारे में, हमारे पोर्टफोलियो के 30 सबसे बेहतरीन स्टॉक्स, जिसमें से आप भी कुछ स्टॉक्स को कंसिडर कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आइए हम जानेंगे उन 30 स्टॉक्स के बारे में जो कि हमारे पोर्टफोलियो के हिस्सा हैं। तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे आप मार्केट में करेक्शन आता है तो आप इन स्टॉक्स में से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स आपको अच्छा लगे, जिसका फंडामेंटल्स आपको अच्छा लगे, जिसका मैनेजमेंट अच्छा लगे, और जो स्टॉक्स आपको बेहतरीन लगता है, जिस सेक्टर में बेहतरीन लगता है, तो उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 30 स्टॉक्स के बारे में जो कि हमारे पोर्टफोलियो के हिस्सा हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक्स है वो है TCS। दोस्तों TCS एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है और निफ्टी 50 के लीडिंग शेयर हैं। आपको TCS जो है और रिलायंस जो है, ये टॉप 2 शेयर में देखे जाते हैं। तो TCS और रिलायंस, ये आपस में जो कभी TCS नंबर 1 होते हैं, कभी रिलायंस। तो TCS जो है अभी आप देखते हैं करेंट मार्केट प्राइस है 1897 रुपीज़, और लास्ट ट्रेडिंग डे ये 5 पॉइंट्स अप है। तो इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट देख लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है TCS। तो TCS एक बेहतरीन स्टॉक्स है जो कि IT सेक्टर से है, और अभी आपको ये बहुत ही करेक्शन वाले प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि आप 52 वीक हाई देख सकते हैं 2296 रुपीज़, मतलब 2300 के आसपास इसका जो ऑल टाइम हाई है, और अभी आपको ये मिल रहा है 1900 के आसपास। तो देख सकते हैं, और जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम दूसरे स्टॉक्स में। दूसरा स्टॉक्स है हमारा रिलायंस। रिलायंस और TCS दोनों निफ्टी के टॉप लीडिंग शेयर हैं। TCS कभी नंबर 1, कभी रिलायंस नंबर 1। तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। जैसे करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसका आप चार्ट देख सकते हैं, 1 ईयर का अभी आप देखिएगा रिटर्न। तो रिलायंस में बहुत ज़्यादा करेक्शन देखने मिला था, यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब आपको ऐसा करेक्शन बहुत ही कम देखने मिलेगा अभी फ़िलहाल। और अभी देख सकते हैं 5 ईयर्स का चार्ट रिलायंस, देख सकते हैं 5 ईयर्स में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है। और फिर मैक्सिमम ईयर की बात करें तो देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में रिलायंस का चार्ट, यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में इसका रिटर्न, तो रिटर्न कितना बेहतरीन है, 3000 के अप्रॉक्स रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। तो देख सकते हैं रिलायंस दूसरा बेहतरीन स्टॉक से जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, ये हमारे पोर्टफोलियो में भी है। और अगला है हमारा शेयर HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये सारे स्टॉक्स जो है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से एक है जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो इसका हम 1 ईयर का आपको रिटर्न दिखा देते हैं। देख सकते हैं HUL का 1 ईयर का रिटर्न, 5 ईयर्स का रिटर्न देखिए कितना बेहतरीन है। हमेशा ये देख सकते हैं आप चार्ट, हमेशा ये आप मूव किया है, मतलब हमेशा पॉजिटिव रिटर्न दिया है 5 ईयर्स में। देख सकते हैं यहाँ से इसका कुछ इस तरह का लगातार ये आप मूव किया है, लगातार शेयर का प्राइस जो है ऊपर गया है। वहीं आप मैक्सिमम ईयर का इसका चार्ट देखेंगे वो भी बेहतरीन है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना बेहतरीन चार्ट है। तो ये सारे स्टॉक्स जो बहुत ही बहुत बेहतरीन स्टॉक्स में से एक है जो कि स्टॉक मार्केट के बहुत ही लीडिंग शेयर में से, देख सकते हैं इसका चार्ट देख लीजिए किस तरह से स्लोप बनाते हुए ऊपर गया है। तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवश्य ही होने चाहिए। तो HUL अभी जो करंट मार्केट प्राइस है इसका देख सकते हैं 2077 रुपीज़, और 52 वीक हाई इसका देख लीजिए 2614 रुपीज़ है, और अभी ये आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, जैसे और थोड़ा सा करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा इसमें SIP मोड में इन्वेस्ट करें। जो सारे स्टॉक्स हैं, ये जो लीडिंग ब्लू चिप कंपनियाँ हैं, इसमें आप एक शेयर अभी उठाएं और फिर एक शेयर अगले वीक लें और फिर एक शेयर अगले वीक, इस तरह से जैसे जैसे मार्केट में करेक्शन आता है तो उस तरह से आप इसमें बारी बारी से स्टॉक्स लेते रहें। चलते हैं चौथे स्टॉक्स की ओर। चौथा स्टॉक है हमारा इंफोसिस। IT सेक्टर से दूसरा बेहतरीन कंपनी TCS के बाद जो हमारा है दूसरा वो है इंफोसिस। अभी करेंट मार्केट प्राइस का देख सकते हैं 676 रुपीज़, तो बहुत ही बेहतरीन शेयर है। और 1 ईयर का चार्ट आप देख लीजिए कुछ इस तरह का है, 5 ईयर्स का चार्ट देख लीजिए, देख सकते हैं 5 ईयर्स में बहुत ही अप्स डाउन देखने मिला है इंफोसिस में। मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखते हैं तो देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में चार्ट कितना बेहतरीन है। शेयर का प्राइस यहां से देखिएगा तो लगातार देख सकते हैं अप मूव किया है। तो देख सकते हैं कितना इंफोसिस का ज़बरदस्त शेयर है।
और इसका भी जो करंट मार्केट प्राइस देख लिए वो तो 676 रुपीज है, वहीं आप देखिए 52 वीक हाई 847 रुपीज है, 52 वीक हाई, तो बहुत ही आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है अभी इन्फोसिस का शेयर, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक्स आपको बता रहे हैं आप इसमें पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है तो आप इन सारे स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा IRCTC। दोस्तों IRCTC पिछले साल ही 2019 में ये कंपनी लिस्ट हुई है और इस कंपनी को मैंने इस लिस्ट में आपके लिए शामिल किया है। ये हमारे पोर्टफोलियो के भी हिस्सा है क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है और जैसे ये आपको करेक्शन वाले मार्केट में मिलता है तो आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। आप देख लीजिए यहाँ से 5 ईयर्स का चार्ट कुछ इस तरह का, मतलब ये तो 1 साल इसका लिस्टिंग ही हुआ है और ये लिस्ट हुआ था 625 रुपीज़ पर और वहाँ से आप देख सकते हैं 2000 के प्राइस तक गया और फिर यहाँ से करेक्शन आया, फिर आपको ये 1243 रुपीज़ पर उपलब्ध है। यहाँ देख सकते हैं 52 वीक हाई जो है 2000 के करीब है, तो इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अभी नया लिस्टिंग है और जैसे ये हमारा पैंडेमिक सिचुएशन ख़त्म होता है तो फिर से इसमें आपको अपर सर्किट देखने मिल सकता है, तो ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स है। अगले स्टॉक पर हम चलते हैं, तो अगला स्टॉक है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट। ये भी थोड़ा नया लिस्टिंग है लेकिन बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। आप देख लीजिए इसका 1 ईयर का रिटर्न, तो 1 ईयर में भी ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, देख सकते हैं कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है। 1 ईयर में भी आपको देख सकते हैं 93% का रिटर्न दे रहा है 1 ईयर में। उसके बाद आप 5 ईयर्स में रिटर्न देख लीजिए, 5 ईयर्स में कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है ये कंपनी, 286% का, और ये भी कंपनी 2017 में ही लिस्ट हुआ है, तो देख सकते हैं ये 5 ईयर्स का देख लीजिए या मैक्सिमम ईयर्स, दोनों सेम ही रिटर्न आपको दिखाएगा क्योंकि 2017 में ही इसका लिस्टिंग है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, रिटेल सेक्टर का ये कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। करेंट मार्केट प्राइस है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट का 2240 रुपीज और इसका देख सकते हैं कि जो हमारा 52 वीक हाई है वो है 2560 रुपीज, तो अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, तो अभी आप इसमें अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। आप SIP मोड में इन्वेस्ट करें, एक शेयर अभी लें और जैसे एक इसमें करेक्शन आता है, जैसे 2100 आता है 2000 आता है फिर दूसरा शेयर लें और फिर उससे नीचे आता है तो फिर आप 1900 पर एक शेयर लें, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट करते जाएं और धीरे धीरे आपका अच्छा इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक्स में हो जाएगा। लेकिन बहुत ही कम इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने मिलेगा, तो इससे में आप अगर मौका मिल रहा है कभी भी गिरावट में तो ज़रूर इन्वेस्ट करें। ये सारे स्टॉक्स हैं लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं। उसके बाद है हमारा HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड। HDFC ग्रुप का बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है ये, HDFC बैंक और HDFC दोनों ही ज़बरदस्त स्टॉक्स है HDFC ग्रुप का, तो ये भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। मतलब जो भी स्टॉक्स इसमें बता रहे हैं वो सारे स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है और ये आपको स्टॉक्स अभी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट आपको यहाँ पर देख लीजिए कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है ये स्टॉक्स, यहाँ पर देख लीजिए 3617% का, इतना का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। और इसका देख लीजिए 52 वीक हाई वो है 2499 रुपीज़, मतलब 2500 रुपीज़ इसका 52 वीक हाई है, तो समझ सकते हैं कितना आपको करेक्शन पे ये स्टॉक्स मिल रहा है। तो अभी आप इसमें स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जैसे इसमें और गिरावट आता है तो फिर करें, मतलब SIP मोड करना है स्टॉक्स में आपको, जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड में करते हैं उसी तरह स्टॉक्स में आपको पहले अभी इन्वेस्ट करना, फिर करेक्शन आता है फिर इन्वेस्ट करना है, तो इस तरह से आप करते जाएं इसमें। उसके बाद आता है HDFC बैंक, ये भी हमारा लीडिंग शेयर है और ये अभी इसका करंट प्राइस देख सकते हैं वो है 930 रुपीज़ और इसमें देख सकते हैं 52 वीक हाई है 1305 रुपीज़, तो जैसे इस स्टॉक में भी करेक्शन आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा और गिरावट आता है तो और इन्वेस्ट करें, मतलब स्टॉक में आपको SIP मोड करना है इन्वेस्ट। 1 ईयर का देखिएगा रिटर्न तो निगेटिव है, 5 ईयर्स का रिटर्न देखिएगा तो कितना बेहतरीन है देख सकते हैं 5 ईयर्स में। अभी जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण ये सारे स्टॉक्स आपको बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहे हैं, ये देख सकते हैं इसका इस पैंडेमिक सिचुएशन से पहले का रिटर्न 3000% का, देख सकते हैं HDFC बैंक में कितना ज़बरदस्त रिटर्न मिला है इन्वेस्टर को। तो ये सारे स्टॉक्स जो है बेहतरीन स्टॉक में से है। चलिए फटाफट हम कवर करते हैं क्योंकि 30 स्टॉक्स है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो अगला स्टॉक्स है हमारा एशियन पेंट्स लिमिटेड। तो एशियन पेंट्स अभी करेंट मार्केट प्राइस 1579 रुपीज। तो एशियन पेंट का करेंट मार्केट प्राइस देखते हैं 1579 रुपीज और 52 वीक का हाई इसका है 1916 रुपीज। तो देख सकते हैं ये स्टॉक्स भी आपको बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और इसका चार्ट देखेगा तो बहुत ही बेहतरीन है। देखिए वन ईयर का चार्ट, वन ईयर में कुछ खास चार्ट नहीं है, फाइव ईयर्स का देख लीजिए, फाइव ईयर्स में देख सकते हैं कितना बेहतरीन चार्ट है और मैक्सिमम ईयर का देख लीजिए तो मैक्सिमम देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस पैंडमिक सिचुएशन से पहले 8000% का रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो आप एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, आप अभी इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा और करेक्शन आता है तो फिर इन्वेस्ट करें। तो इस तरह से SIP मोड में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टाइटन। टाइटन भी हमारा टाटा ग्रुप की एक बहुत ही अच्छा शेयर है जो कि राकेश झुनझुनवाला जैसे इन्वेस्टर को बहुत ही रिच बना चुका है ये स्टॉक्स। तो ये कभी 3 रुपये का स्टॉक हुआ करता था जिसमें कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था 2000 ईस्वी के आसपास और अभी इसका प्राइस देख सकते हैं 52 वीक है 1389 रुपीज़ तक ये जा चुका है, मतलब 1400 तक ये शेयर जा चुका है। तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन मतलब रिटर्न दिया होगा ये स्टॉक्स, जिस कारण जो राकेश झुनझुनवाला जी है वो बहुत ही रिचेस्ट पर्सन में से जाने जाते हैं स्टॉक मार्केट से जो कि अर्न किए हैं। और इसका आप चार्ट देख लीजिए, वन ईयर का चार्ट बहुत ही निगेटिव रिटर्न दिया है, फाइव ईयर्स का आप चार्ट देख लीजिए, फाइव ईयर्स में भी कुछ खास रिटर्न नहीं दे रहा है लेकिन मैक्सिमम ईयर में आप देख लीजिए कितना बेहतरीन देख सकते हैं। यहाँ पर 2003 में ये मात्र 3 रुपीज़ का ये स्टॉक्स हुआ करता था, 2002 में मात्र 3 रुपया से भी कम का ये स्टॉक्स हुआ करता था और अभी आप देख लीजिए इसमें इस पैंडमिक सिचुएशन से पहले का रिटर्न इसका 46000% का देख सकते हैं, 46000% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक्स। तो कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है ये स्टॉक्स आप समझ सकते हैं। तो इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये 800 आता है तो आप अपना पहला इंस्टॉलमेंट आप इसमें लगाएं, 800 से जैसे ये नीचे आता है अगर आप 750 रुपीज़ पर आता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगाएं। तो इस तरह से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP मोड में, उससे ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद मत कीजिएगा कि 750 से ज़्यादा नीचे ये स्टॉक्स जा सकता है क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, सिर्फ न्यूज़ के कारण मतलब जो हमारा पैंडेमिक सिचुएशन है उसके कारण इस स्टॉक में गिरावट देखने मिल रहा है। अगले स्टॉक पे हम चलते हैं, तो अगला स्टॉक से हमारा पिडिलाइट इंडस्ट्री, ये भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स है। अभी देखते हैं इसका करेंट मार्केट प्राइस है 1368 रुपीज़ और इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो आप देख लीजिए 1709 रुपीज़। तो बहुत ही डिस्काउंट प्राइस पे ये भी स्टॉक्स आपको मिल रहा है। वन ईयर का रिटर्न देखिएगा तो देख लीजिए, वन ईयर का रिटर्न कुछ खास नहीं है, फाइव ईयर्स का रिटर्न देखिए तो बेहतरीन है, आप फाइव ईयर्स का रिटर्न यहाँ से देख सकते हैं। अभी भी ये फाइव ईयर्स में 148% का रिटर्न दे रहा है, मैक्सिमम ईयर में बात करें तो देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न दे रहा है। 2003 से अभी तक में आप देख सकते हैं कि ये पहले जो हमारा 5 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था अभी आप देख लीजिए 27000% का रिटर्न ये अभी तक में दे चुका है 2002 से। तो देखते हैं कितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेहतरीन रिटर्न दिया है ये सारे स्टॉक्स। तो अगले स्टॉक्स पे चलते हैं, बजाज फिनसर्व। दोस्तों बजाज फिनसर्व बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है और अभी आपको ये 50% से भी ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है, 50% से भी ज़्यादा करेक्शन पे देख सकते हैं वन ईयर का चार्ट देख सकते हैं कितना आपको करेक्शन पे मिल रहा है स्टॉक्स। यहाँ से आपको हम दिखाते हैं, देख लीजिए यहाँ से ये 52.44% 53 का करेक्शन इसमें आपको मिल रहा है अभी 53% करेक्टेड प्राइस पर। देखते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट में कितना बेहतरीन स्टॉक्स था लेकिन इस पैंडमिक सिचुएशन कारण इसमें ज़बरदस्त करेक्शन आया है और आपको ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे मिल रहा है। यहाँ पर देखते हैं ये स्टॉक्स कभी 100 रुपीज़ के आसपास हुआ करता था और यहाँ से ये 10000 रुपीज़ तक का कवर कर चुका था, देख सकते हैं रिटर्न 10000% का और अभी आपको 53% करेक्शन पे मिल रहा है। तो इस स्टॉक पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे ये 4500 के आसपास आता है तो एक स्टॉक लें, फिर उसमें ज़्यादा करेक्शन आता है तो फिर दूसरा 4000 पे इन्वेस्ट करें, तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इस स्टॉक में। अगला है हमारा
देख सकते हैं कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड, जो कोलगेट टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स जो कि आप जो प्रोडक्ट आप डेली यूज करते हैं और जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, आपके आसपास के लोगों को पसंद है, वैसे स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें। इसका देख सकते हैं जो 52 वीक हाई है 1642 रुपीज़, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं 52 वीक हाई प्राइस है और ये स्टॉक्स अभी आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे मिल रहा है, लगभग इसमें 300 का डिस्काउंट देख सकते हैं मिल रहा है आपको, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका करेंट मार्केट प्राइस है 1359 रुपीज़ और आज की 58 रुपीज़ हाई है लास्ट ट्रेडिंग डे के दिन, और जैसे इसमें करेक्शन आता है तो आप और इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वन ईयर का चार्ट देखिए तो कुछ खास नहीं है, फाइव ईयर का चार्ट देखते हैं तो देख लीजिए फाइव ईयर्स पे यहाँ से ये जो यहाँ से हाई बनाया था देख सकते हैं 89% का रिटर्न दे रहा है, वहीं मैक्सिमम ईयर में देखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त देख सकते हैं चार्ट है, आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में ये 60 रुपीज़ का पहले स्टॉक हुआ करता, तो देख सकते हैं ये 2310% का रिटर्न दे चुका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो कितना बेहतरीन चार्ट है। उसके बाद देख सकते हैं आईटीसी भी ज़बरदस्त स्टॉक है, ये धीरे धीरे मतलब ये मूव करता है लेकिन ज़बरदस्त ये रिटर्न देता है, अभी आप देखिएगा वन ईयर में बहुत ही ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, देख सकते हैं वन ईयर का चार्ट बहुत ही ख़राब है, फाइव ईयर्स का देख लेते हैं, फाइव ईयर्स में भी देख सकते हैं ये बहुत ही नीचे प्राइस पर मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम ईयर का चार्ट देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन है, मैक्सिमम ईयर का देख सकते हैं ये मात्र 14 रुपीज़ का स्टॉक हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं अभी भी ये 1000% का रिटर्न दे रहा है, जबकि बहुत ही ज़्यादा इसमें करेक्शन देखने मिला, देख सकते हैं कभी ये 2000% का रिटर्न दे रहा था और ये बहुत ही बोनस दिया है ये शेयर और डिविडेंड भी देता है अच्छा खासा, तो यहाँ पर आप डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं 3.63% का डिविडेंड यील्ड है और 52 वीक हाई देखिएगा 310 रुपीज़, अभी देखते हैं डायरेक्ट आपको 50% डिस्काउंट पे ये स्टॉक्स आपको मिल रहा है, तो आईटीसी में आप जो है अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और जैसे करेक्शन आता है तो सेकंड इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, तो स्टॉक्स में भी आप एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, दोस्तों ये भी बहुत ही ज़बरदस्त शेयर है हमारा जो एचडीएफसी ग्रुप है, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी, तीनों स्टॉक्स बहुत ही बहुत ज़बरदस्त है, ये भी स्टॉक्स अभी जो क्वार्टर फोर रिजल्ट इसका आया है बहुत ही बेहतरीन आया है, तो इस स्टॉक का भी रिटर्न आप देख सकते हैं एक वन ईयर में कुछ खास नहीं है, फाइव ईयर में देखिएगा बहुत ही देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, लेकिन ये स्टॉक्स आगे जा करके बहुत ही बेहतरीन करने वाला है, इसका नया लिस्टिंग है देख सकते हैं 2019 में ही इसका लिस्टिंग हुआ है, तो जैसे आगे आने वाले समय में ऐसा उम्मीद किया जा रहा है ये स्टॉक्स बहुत ही बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, जिसने इसका जो अभी 52 वीक हाई बनाया है 3844 मतलब 4000 के आसपास इसका 52 वीक हाई है, तो ये भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इन स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजी जो हमारा आईटी सेक्टर उसका ज़बरदस्त स्टॉक्स पहला हो गया TCS, दूसरा इंफोसिस, तीसरा HCL, तीनों ही स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, फाइव ईयर्स में देख सकते हैं इसका भी चार्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, मात्र ये स्टॉक्स भी 30 रुपीज़ का हुआ करता था और अभी आप देख सकते हैं 500 तक जा चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त बोनस देता है ये सारे स्टॉक्स, तो बोनस आपके जो इन्वेस्टमेंट है आपका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है, 2 टाइम्स डायरेक्ट कर देता है, तो आप बोनस का अगर मैजिक नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ बोनस का मैजिक से रिलेटेड वीडियोस हैं उसको देखिए, तो इन सारे स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, बस आपको एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करना है, तो चलिए हम जल्दी जल्दी सारे स्टॉक को कवर कर लेते हैं और अगला स्टॉक है हमारा बजाज फाइनेंस, दोस्तों बजाज फाइनेंस अभी आपको बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन पर मिल रहा है, ये 5000 के स्टॉक हुआ करता था अभी आपको मात्र 2000 पर मिल रहा है, तो अभी आप पहला इंस्टॉलमेंट इसमें लगा सकते हैं, जैसे और करेक्शन आता है तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं, और जैसे ये पैंडेमिक सिचुएशन खत्म होता है ये सारे स्टॉक्स आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न देंगे, देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट आपको कितना बेहतरीन था और अभी इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने मिला है। उसके बाद अगला है हमारा मारुति की सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, ये भी स्टॉक्स देखिए वन ईयर का चार्ट कुछ खास नहीं है, फाइव ईयर का चार्ट देखिए उसमें भी कुछ खास नहीं है, मैक्सिमम ईयर में देखिए कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स रिटर्न दिया है, आगे भी उम्मीद किया जा रहा है कि ये स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देंगे, तो ये स्टॉक्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सीफाई करने के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो जो होना चाहिए वो डाइवर्सीफाइड होना चाहिए, हर सेक्टर में होना चाहिए, हर तरह के स्टॉक्स में होना चाहिए, जिससे कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाए।
अगला है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोस्तों ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हैं बहुत ही शानदार है। वन ईयर में कुछ खास रिटर्न नहीं है, फाइव ईयर में भी कुछ खास नहीं है, मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त शानदार रिटर्न दे रहा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, दो तीन सालों से ऑटो सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म है, तो इसलिए इस स्टॉक में करेक्शन देखने मिला है। तो अब इसमें आप विचार कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ही करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है, तो आप अपना SIP मोड में इस पर इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाकर के अच्छा रिटर्न देने की ऐसा संभावना व्यक्त की जा रही है कि आगे अब जो होगा वो ऑटो सेक्टर आगे परफॉर्म कर सकता है। अगला है हमारा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। दोस्तों ये बहुत ही बहुत बेहतरीन स्टॉक है, बहुत बार ये बोनस दिया है ये स्टॉक्स। चलिए देख खाते हैं, फाइव ईयर्स में कोई खास रिटर्न नहीं है, मैक्सिमम ईयर में बात करते हैं तो देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में ये स्टॉक भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, बहुत ही उतार चढ़ाव इस स्टॉक में देखने मिला है। लेकिन ये स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा डिविडेंड देता है, बोनस देता है, बोनस आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देता है, तो बहुत अच्छा स्टॉक्स है ये। उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रा टेक सीमेंट देख सकते हैं डिविडेंड ये बहुत ही खास नहीं देता है, लेकिन ये स्टॉक्स जो है अभी आगे माना जा रहा है कि ज़्यादा परफॉर्म करने वाला नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। जैसे हम इस पैंडमिक सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में जाते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, देख सकते हैं 1254% का। तो ये सारे स्टॉक्स जो है, जो भी हम हमारे पोर्टफोलियो में है वो आपको हम दिखा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन ये सारे स्टॉक्स रिटर्न दिए हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। उसके बाद हमारा UPL देखते हैं, UPL इसका 52 week हाई देखिएगा 7000 से भी ऊपर है और इसका टारगेट माना जा रहा है कि 1000 के आसपास है। तो ये स्टॉक्स जो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं कुछ ही सालों में, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 5 years का चार्ट देखिएगा, देखिए कुछ खास नहीं है, मैक्सिमम ईयर का देखिएगा तो देखिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, मात्र देख सकते हैं 78 paise का ये शेयर हुआ करता था 2003 में, उसके बाद देख सकते हैं ये गया 547 rupees तक। उसके बाद आता है हमारा देखते हैं ग्रासम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो दोस्तों देखते हैं ये स्टॉक्स भी बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए इन सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए जिससे रिस्क मैनेजमेंट हो पाएगा। उसके बाद है हमारा यूनाइटेड ब्रिवरीज लिमिटेड। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज या रेडिको खैतान, इन दो स्टॉक में किसी एक को आप कंसीडर कर सकते हैं, यूनाइटेड ब्रिवरीज और रेडिको खैतान दोनों ही बेहतरीन स्टॉक्स हैं और ये स्टॉक्स लिक्कर स्टॉक्स है, लिक्कर आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंजीरियस है, लेकिन ये स्टॉक्स आपको बहुत ही अच्छा रुपया छाप के आपको देता है आप लॉन्ग टर्म के लिए जब इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि अभी आपको शेयर जो मिल रहा है करेक्शन वाले प्राइस पर मिल रहा है और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट में इसका लगातार डिमांड रहने वाला है, तो ये स्टॉक्स देखते हैं हमेशा एक स्टेडी रेट से लगातार बढ़ते गया है देख सकते हैं, तो इन स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी सारे स्टॉक्स करेक्शन वाले प्राइस पे मिल रहे हैं, तो जैसे इसमें और करेक्शन आता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट अपना शुरुआत कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं और आगे जैसे करेक्शन आता है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रिटानिया लिमिटेड। दोस्तों ब्रिटानिया अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन मिल रहा है आपको, अभी 3500 का ये स्टॉक्स हुआ करता था, अभी कुछ ही डेज में यह बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने मिला है। इसमें 35 rupees का डिविडेंड भी ये डिक्लेयर किया था, देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड भी शानदार है इस कंपनी का, तो अपने 52 week हाई से ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन पे मिला है ये। और ये जो स्टॉक्स है इसके प्रोडक्ट के डिमांड हर दिन रहता है, हर समय रहता है, आपको साल के सभी दिन मिलेगा देखने के लिए, तो इसलिए इस स्टॉक में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देखने मिलेगा। तो इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका चार्ट, तो मैक्सिमम ईयर में देखिए ये स्टॉक्स मात्र पहले 100 rupees का हुआ करता था, अभी आप देख सकते हैं 3500 rupees तक इसका स्टॉक्स जा चुका है, तो कितना बेहतरीन ये स्टॉक्स है। उसके बाद आता है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक। ये दोस्तों बेहतरीन स्टॉक में से एक है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा करेक्शन देखने मिल रहा है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो देखते हैं अपने 52 week हाई 1740 rupees से बहुत ही ज़्यादा नीचे मिल रहा है, तो आप इसमें लगा सकते हैं। ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का दूसरा लीडिंग बैंक है, तो समझ सकते हैं ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, ये सारे बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर के बहुत अच्छे बैंकों में से एक है और ये स्टॉक्स आपको देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना करके दिया है देख सकते हैं। उसके बाद
आता है हमारा हीरो मोटर कॉर्प। दोस्तों जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, जैसे हमारा पेंडेमिक सिचुएशन खत्म होता है, तो टू व्हीलर का डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो ऐसे में जो टू व्हीलर कंपनियाँ इसके स्टॉक में भी आपको जो है मूवमेंट देखने मिल सकता है। तो और इसका डिविडेंड भी यील्ड भी देख सकते हैं 5% है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिविडेंड देता है। और बहुत ही दिनों से ये सेक्टर बहुत ही अंडर परफॉर्म रहा है, इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन वाली प्राइस पर आपको मिल रहा है, 50% का करेक्शन मिल रहा है। तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म चार्ट में देखिएगा बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है ये हीरो मोटर कॉर्प, तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला स्टॉक्स है हमारा टाटा मोटर्स। देख सकते हैं टाटा मोटर्स जो है हमारा बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको मिल रहा है। देख सकते हैं लगभग इसमें आपको जो है 70% का डिस्काउंट मिल रहा है, 70% के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है। और देख सकते हैं ये लगातार ऑटो सेक्टर हमारा अंडर परफॉर्म रहा है, जिससे इस स्टॉक में भारी करेक्शन देखने मिला है। तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं टाटा मोटर्स हमेशा अपने हिस्ट्री को रिपीट किया है, पहले भी इसमें बहुत ही ज़्यादा करेक्शन 2008 में देखा गया था, वहाँ से ये आप देख सकते हैं कि 573 का हाई बना चुका है, मतलब 600 तक ये स्टॉक्स मूव कर चुका है। तो फिर से ये अपने हिस्ट्री को अगर रिपीट करता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिटर्न, ये एक मल्टी बैकर रिटर्न दे सकता है, इसलिए आप टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टेट बैंक। हमने गवर्नमेंट सेक्टर से मात्र और मात्र एक स्टॉक्स लिया है, वो है SBI। दोस्तों SBI एक बहुत बेहतरीन शेयर है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका देख सकते हैं बहुत ही उतार चढ़ाव वाला ये स्टॉक्स रहा है, और अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। ये 300 से एबव का स्टॉक्स था, मतलब 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP मोड में इनमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। जो हमारा लास्ट स्टॉक है 30 नंबर पे जो हमारा स्टॉक है वो है एवेटो इंडिया। दोस्तों फार्मा सेक्टर्स में आप बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे सन फार्मा, लुपिन, सिप्ला, इन सब में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवेटो इंडिया इसलिए लिए हैं कि आप देख सकते हैं चाहे सिचुएशन कैसा भी हो ये स्टॉक्स आपको हमेशा बेहतरीन रिटर्न देता है। देख सकते हैं आप 1 ईयर का चार्ट, 5 ईयर्स का चार्ट, मैक्सिमम ईयर का देख सकते हैं कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है ये स्टॉक्स, और लगातार अपना नया आप पे नया हाई बनाते जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक अगर आपको करेक्शन वाले प्राइस पे कभी भी मिलता है तो आप इस सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे मार्केट कैसा भी हो, मार्केट नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, इन स्टॉक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अब आप जान गए होंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक्स हैं और आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।